أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हम बहुत से लोगों को कुछ चीज़ें याद कराना चाहेंगे क्योंकि ना जो जो काम हो जाते हैं वो काम लोग भूल जाते हैं अक्सर ना। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, जो काम जल्दी कर लिए जाते हैं उनको अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो मैं सबसे पहले याद कराना चाहूँगा लोगों को कि जब मैंने चार्ज लिया जनवरी 2023 के अंदर, उस वक्त जना गार्डन की हर गली के अंदर 15 से 20 तारें बिजली की पड़ी हुई थी, जिनकी अक्सर की हालत मखदूश थी। जगह जगह तारें बिखरी हुई थी, जो निज़ाम भी लगता था कि हमारी बिजली अंडरग्राउंड नहीं बल्कि ऑन द रोड है। तो मैंने इलेक्शन में बार बार यही कहा था कि ये चलती फिरती तारें इंशाअल्लाह हम ख़त्म करेंगे। तकरीबन 250 मीटर की केबल्स, 250 के करीब सॉरी DPs और HT LT केबल्स, 8 से 9 ट्रांसफार्मर्स ये हमने ऐड किए, और तारों के जाल को काफ़ी हद तक हमने कम किया। वो एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन लोग शायद नहीं सोचते कि तारों का जो गन था, एक तो गन भी था, दूसरा जान का रिस्क था। ये एक बहुत बड़ी एफर्ट की पूरी टीम ने मिलकर हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो चलती फिरती तारों से उससे जान छुड़ा चुके हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद पानी के इश्यूज और बिजली के इश्यूज भी बात करें तो हर साल 3-3 दिन बिजली बंद रहा करती थी। वोल्टेज 200 वोल्ट भी कहीं पर मुयसर ना थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी गर्मियों में अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त भी रखी और मदद फरमाई। पूरा गर्मियाँ हमारी लोड शेडिंग के और ये बिजली की जो है ना बार बार बंदिश से हम लोग महफूज रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी प्लानिंग की वजह से। और आप फिर पानी की बात करें तो पानी की जना गार्डन में सप्लाई की हालत, जो ट्यूबवेल गागड़ी में लगाए गए थे 2012-13 में, वो ट्यूबवेल 6 के 6 पानी इंतहाई कम कर चुके थे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि नेवल के जो ट्यूबवेल 6 पुराने हैं वो उनका पानी ना होने के बराबर इस वक्त है। उन्होंने नए ट्यूबवेल ना लगाए जिसकी वजह से उनका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। स्वांग गार्डन में पानी का इशू बहुत ज़्यादा बने रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नई जगह परचेज़ की और नई जगह और पुराने एरिए को मिलाकर हमने 6 नए ट्यूबवेल अब तक सिस्टम में शामिल किए, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पानी की फरावानी को हमने काफ़ी बेहतर बनाया और जो शॉर्ट फॉल का मसला नहीं आने दिया और पानी के निज़ाम को पहले से बेहतर किया। तो सीफ एरिया के ओवर टैंक को चालू किया गया, गागड़ी में अंडरग्राउंड टैंक को चालू किया गया, फिर गलियों की मेंटेनेंस रिपेयरिंग काम शुरू हो चुका है। स्ट्रीट लाइट पूरे जना गार्डन में लगाने का काम जारी है। तो सीफ एरिया में मेन गेट बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, रिहायशियों के लिए जो 100 लियाकत रोड से लेकर बफर नंबर गली से लियाकत रोड कश्मीर चौक तक, फिर कश्मीर चौक से 131 की गली तक पानी की लाइनें बिछा दी गईं। 180 से लेकर 188 तक के पानी के सिस्टम को बहाल किया गया। 200 से लेकर 205 तक पानी का निज़ाम बना दिया गया। अभी 205 से लेकर 213 गलियों तक भी इंशाअल्लाह ताला पानी की लाइनों पर काम शुरू हो जाएगा। पार्क पर काम इस वक्त चल रहा है। ये सिर्फ चना गार्डन की बातें हो रही हैं। कुरंग टाउन का हेड ऑफिस जो हम लेकर आए हैं ब्लू एरिया से, हेड ऑफिस शिफ्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन बिल्डिंग हेड ऑफिस की सूरत में मौजूद है। आपका रास्ता मेन कुरंग टाउन से जो मेन एंट्रेंस थी, अपनी अप्रोच बनाई गई, जो मेन हाईवे से रास्ता लेना एक मुश्किल तरीन काम था, वो काम मुकम्मल किया गया। इसी तरह बेशुमार छोटे छोटे काम मौजूद हैं। फेज़ 2 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी लेवल पर ख़रीदारी की गई है ज़मीन की, जिसमें डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक शुरू की गई थी। वहाँ कट एंड फिल का काम हो चुका है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि 1000 प्लाट लोगों के हैंड ओवर हो चुके होंगे। और इसी तरीके से फेज़ 1 के 500 प्लाटों की वर्किंग हम मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द भी मशीनरी आपको मूव होती नज़र आएगी। इंशाल्लाह ताला देर आर आपके यहाँ देर नहीं, हम पूरी कोशिश के साथ जनवरी 23 से लेकर जनवरी 25 तक, 2 साल बनते हैं हमारे, 2 साल की रिपोर्ट इंशाल्लाह जनवरी 25 में हम शेयर कर रहे होंगे आपसे कि कितने काम हम कर चुके हैं। के वाले से बिल्कुल बात करूंगा। पूरे जो है ना, जब हमने चार्ज दिया उनकी तनख्वाहें सिक्योरिटी गार्ड की 12 से 15 हज़ार पर थी, जिसको हम बेसिक सैलरी 32 हज़ार पर लेकर आए ताकि हमारा मैार बेहतर हो सके। हमने सिक्योरिटी बैरियर्स को 3 ब्लाक के तक बना चुके हैं और बाकी पूरे ब्लाक वाइज भी सिक्योरिटी बैरियर्स के काम चल रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ बाउंड्री वॉल्स नहीं है और सिक्योरिटी बैरियर्स नहीं लगे, वहाँ पर अभी सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर हैं। लोग एहतियात की ज़रूरत भी है
क्योंकि 90% मामला ऐसी जगह हुए हैं जहाँ लोग बताए बगैर घर खाली छोड़ कर गए हैं और वहाँ पर कोई ना कोई वारदात हो गई। और अगर गौर करें तो उनके जाने की इतला उन्हीं के करीबी चौकीदार या उन लोगों को होती है जो उनके अपने जानने वाले होते हैं। हमने बारहा कोशिश की कि लोगों से कहा कि जब वो जाएँ और घर खाली छोड़ें तो लाजमी सिक्योरिटी को इतला दें ताकि हम एक सिक्योरिटी गार्ड एक्स्ट्रा वहाँ डिप्यूट कर दें, क्योंकि हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड जो घरों के अंदर तो मालूम नहीं होता इस वक्त घर के अंदर कौन है और घर के मालिक हैं या कोई चोर बैठा हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल है डायग्नोज करना कि घर के अंदर चोरी हो रही है, खाली है घर। तो वो हमने अक्सर लोगों से कहा कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है, इसको आपने इंश्योर करें कि जब भी घर खाली छोड़ें तो वो हमारी सोसाइटी की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म लाजमी करें। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ईद के दिन रमज़ान का महीना होता है और इसी तरह बड़ी ईद के दिनों में हमेशा चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की गाड़ियाँ, एक्स्ट्रा जो है अपने बाइक्स, राइडर्स, सिक्योरिटी गार्ड मैनेज किए और चोरियों को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की। चोरियों के रेशियो भी अगर थाने में आप जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जिना गार्डन और सराउंडिंग सोसाइटीज़ का आप रेशियो चेक कर लीजिएगा कि चोरियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल की। को 5 से 6 वाक़यात ऐसे हुए जो वाकई नहीं होने चाहिए थे, गलत हुए, हम उनको कंडेम करते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी अपनी भी गैर जिम्मेदारी होती है, हमें ख्याल करना चाहिए, जाते हुए इन्फॉर्म लाजमी करना चाहिए। तो ठीक है, उसमें कमी है, मज़ीद बैरियर, मज़ीद सिक्योरिटी लाइट सब लगा रहे हैं हम, सिक्योरिटी कैमरा भी मज़ीद इंस्टॉल कर रहे हैं, जो हमसे सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए हो सकता है इन शाला इकदाम वो भी किए जा रहे हैं। कोई भी डाउट नहीं है, इन शाला रास्ता आपको बिल्कुल मिलेगा अनेबल से, और ये बात कन्फर्म हो चुकी है, इन शाला रास्ता 100% मिलेगा। रास्ता जो ही हमारा कम्प्लीट होगा, रूट बस नंबर गली से हमारा रूट और जो है ना 123B से, ये दो रोडें हमने एक दीवार गिरा दी है बैरियर कॉलेज की, आपने पता नहीं देखी है नहीं, वहाँ से हम नाले की तरफ दोनों साइडों पर डबल रोड लेके जाएंगे और ये कैपिटल एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। जो ही ये रोड जुड़ती है और कारपोरेट होती है बिल्कुल छोटी दी है नेबल ने कि जी आप वहाँ अपना सिक्योरिटी का बैरियर लगाएं और आप इन आउट कैमरेज लगाएं और रोड कारपोरेट करें, बिल्कुल हम रास्ता देंगे। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इन शाला रास्ता आपको बिल्कुल मिलेगा नेबल से, और ये बात कन्फर्म।